हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू रीड क्लास फोर्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नेम इज़ द लिटल फर ट्री ओके द लिटल फर ट्री लिटल मीन्स होता है छोटा फर मीन्स देवदार ट्री मीन्स पेड़ छोटा देवदार का पेड़ ओके नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर सो वॉज केयरफुली सेटी द मेजीसियन वॉज रिटर्निंग होम सेटी जो कि एक मेजीसियन था जादूगर था अपने घर लौट रहा था वैन ऑल ऑफ ऑफ फडन इट बीगेन टू रैन सडन मीन्स होता है अचानक और तभी अचानक बारिश होने लगी रैन मीन्स होता है बारिश इट रैनड हैविली राइट और बारिश बहुत तेज़ होने लगी राइट हैवली मीन्स होता है बहुत तेज़ या भारी राइट सेटी लुकड अराउंड फॉर सेल्टर एंड साओ आटी लिटल फरट्री राइट सेटी लुकड अराउंड फॉर सेल्टर सेल्टर मीन्स होता है छुपने की जगह सेटी अपने आसपास चारों तरफ छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा राइट एंड साओ आ पीटी लिटल फर्ट्री और उसे एक छोटा सा सुंदर सा फर ट्री दिखाई दिया प्रिटीमिन होता है सुंदर राइट नेक्स्ट ही रेन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड राइट वहां उस फर ट्री के तरफ बहुत तेज भागा जितनी तेज वहां भाग सकता था राइट right? सुन द रैन स्टॉप्ड और जल्दी ही बारिश रुक गई सेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट गेट वेट वेट मीन्स होता है गीला गीला होना राइट right? सेटी बहुत ही खुश था क्योंकि वहाँ बारिश में भीगा नहीं था या बारिश में गीला नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ उस फर ट्री के नीचे छुप गया था राइट थैंक यू यू हैव बीन काइंड टू मी और उसने क्या कहा किसने मैजिशियन ने किससे कहा फर्टरी से क्या कहा थैंक यू यू हैव बिन काइंड टू मी आपने मेरे ऊपर दया दिखाई है या आपने मुझे बारिश से बचाया है मुझे भीगने से बचाया है इसके लिए आपका धन्यवाद ओके नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू रिवॉर्ड मीनस होता है इनाम राइट right? मैं आपको इनाम दूंगा या मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ आस्क फॉर फोर विशेष ठीक है अपनी कोई चार इच्छाएं बताओ या चार विशेष बताओ एंड आई विल ग्रांट देम सैड द मजिशियन ठीक है और मैं उनको पूरा करूँगा मैजिशियन ने कहा मैजिशियन ने फर्ट्री से कहा कि आपने मुझे बारिश में भीगने से बचाया है ठीक है इसलिए मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ राइट आप अपनी कोई चार इच्छाएं बताओ और मैं उनको पूरी करूँगा राइट नेक्स्ट द सैड फॉर ट्री सैड मीन्स होता है उदास हैड लीव्स लाइक नीडल्स नीडल्स मीन्स होता है नुकीली या सुई एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट सैड फर ट्री राइट जो फर जो फर ट्री था वह बहुत ही उदास था वह बहुत ही उदास रहता था क्यों हैड लिव्स लाइक नीडल्स जो उसकी पत्तियाँ थी वो नुकीली थी राइट और बिल्कुल सुई की तरह थी नुकीली थी इसलिए वहां बहुत ही उदास रहता था एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट जिसकी वजह से कोई भी चिड़िया उसके ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाती थी या अपना नेस्ट नहीं बनाती थी इसलिए वह बहुत ही उदास था कौन फर ट्री राइट सो इट सैड इसलिए उसने कहा आई विश मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स राइट कि मेरे ऊपर भी हरी पत्तियां लग जाएं या हरी उग जाएं. या मैं चाहता हूँ कि मेरे भी पत्तियाँ हरी हो जैसे कि दूसरे पेड़ों की है राइट नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड अगली सुबह उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई थी सोन अ गोट केम एलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लिव्स और वहां पर जल्दी ही एक बकरी आई गोट मीन्स होता है बकरी राइट और उसने सभी ग्रीन लिव्स को खा लिए सभी हरे पत्तियों को उस बकरी ने खा लिया ओके ओह डियर सैड द फर ट्री फर ट्री ने कहा ओहडियर आई विस आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स और उसने क्या कहा मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ सोने की हों जिससे कि उसको बकरी नहीं खा सके ठीक है ट्री ने कहा कि मेरी इच्छा है कि अब मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं या सोने की हों ठीक है जिससे कि उसको बकरी नहीं खा सके ओके वैन द लिटल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग और जब लिटल फर ट्री अगली सुबह सोकर उठा इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स वहाँ गोल्ड लीव्स या सोने की पत्तियाँ देख कर सरप्राइज था सरप्राइज हो गया क्यों क्योंकि उसके ऊपर सोने की पत्तियाँ उग गई थी राइट right. नेक्स्ट हाउ हैप्पी आई एम इट सैड इसने कहा मैं कितना खुश हूं या मैं बहुत खुश हूं अ मैन केम एलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लिब्स स्टोल मीनस होता है चुराना राइट right? तब वहां पर एक आदमी आया और उसने सभी सोने की पत्तियां चुरा ली राइट आई विश आई हैड ग्लास लिब्स इंस्टीड राइट उसके बाद फरटरी ने कहा कि मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं कि मेरी पत्तियां शीशे की हों ग्लास मीनस होता है शीशा मेरी पत्तियाँ शीशे की हों मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स राइट क्योंकि मैन शीशे की पत्तियां नहीं चुराते हैं राइट right? या अगर मेरी पत्तियाँ शीशे की होंगी तो उसको मैन नहीं चुराएंगे ठीक है उसको आदमी नहीं चुराएंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पत्तियां शीशे की हो जाए द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सोन इन ब्राइट सन अगली सुबह शीशे की पत्तियां धूप में चमक रही थी दैट मीन्स उसके ऊपर शीशे की पत्तियां उग गई थी राइट हाउ हैप्पी आई एम इट सैड तब उसने कहा कि मैं कितना खुश हूं ओके नेक्स्ट एट नाइट द विंड विंड मीन्स होता है हवा ब्लू ब्लू मींस होता है बहना एट नाइट द विंड ब्लू ब्ल्यू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रॉक ठीक है रात में तेज हवा चली राइट right? कैसी हु, हु, हु की आवाज के साथ राइट right? और सभी ग्लास की पत्तियां टूट गई सभी शीशे की पत्तियां हवा से टूट गई राइट फिर क्या हुआ नेक्स्ट डियर सैड द ट्री तब फर ट्री ने कहा डियर आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट राइट उसके बाद फरटरी ने कहा कि फरटरी ने कहा कि ओ oh डियर मैं अब अपनी पुरानी नुकीली पत्तियाँ चाहता हूँ राइट फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम उनको बकरी नहीं खा सकती हैं नो मैन कैन स्टील देम और उनको मैन चुरा नहीं सकते हैं द विंड विल डू नॉट नो हार्म और हवा उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा सकती है राइट right? ट्री ने कहा कि ओह डियर मैं अपनी पुरानी पत्तियाँ फिर से चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं पहले था वैसे हो जाऊँ ठीक है क्योंकि मेरी पत्तियों को बकरी नहीं खा सकती हैं ठीक है आदमी उनको चुरा भी नहीं सकते हैं और हवा उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती है इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पत्तियां पहले की तरह नुकीली हो जाए राइट द ट्री टू स्लीप सोने के लिए गया वेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग और जब वह अगली सुबह सोकर उठा इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन तब उसने क्या देखा उसने देखा कि उसकी उसकी पत्तियां पहले जैसी आ गई हैं. मतलब उसके ऊपर पहले जैसी नुकीली पत्तियां उग गई हैं राइट ओह आई नेवर सो सैड द लिटल फर ट्री जब यहां फर ट्री ने देखा तो उसने क्या कहा अरे अब मैं कितना खुश हूं इतना खुश मैं पहले कभी नहीं था जितना कि खुश अब मैं हूं ओके सो डियर स्टूडेंट्स आई हो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा ठीक है राइट तो एक बार इस चैप्टर का हम समेरी देख लेते हैं राइट आ, इसमें एक मैजिशियन होता है जिसका नाम होता है सैटी राइट वहाँ अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में बारिश होने लगती है राइट और वहाँ बारिश से छुपने के लिए बचने के लिए इधर उधर कोई जगह ढूंढने लगता है तभी उसको एक फट्री दिखाई देता है राइट और वहाँ दौड़ लगाता है और उस फट ट्री के नीचे छुप जाता है राइट और जब बारिश रुक जाती है तब वह फर्ट्री को धन्यवाद देता है और कहता है कि अपनी कोई चार इच्छाएं बताओ मैं उसको पूरी करूँगा क्यों क्योंकि आपने मेरी हेल्प करी है तो मैं आपकी चार इच्छाएं पूरी करूँगा ठीक है तब जो फर्ट्री होता है वह बहुत ही उदास रहता है क्यों क्योंकि उसकी पत्तियां नुकीली होती हैं कांटेदार होती हैं जिसके वजह से उसके ऊपर कोई भी चिड़िया अपना घोसला नहीं बनाती है अपना घर नहीं बनाती है जिसकी वजह से वह बहुत ही उदास होता है उदास रहता है राइट तब वह कहता है कि मेरी विष है कि मेरी पत्तियाँ भी और पेड़ों की जैसी हो जाए ठीक है और फिर क्या होता है जब अगली सुबह वहाँ देखता है तो उसकी पत्तियाँ और पेड़ों की जैसे हो जाती हैं राइट तभी वहाँ पर एक बकरी आती है और उसके ग्रीन पत्तियों को खा जाती है राइट यहाँ देखकर कर फर्ट्री बहुत ही अपसेट हो जाता है और वह कहता है कि मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं, क्यों क्योंकि सोने की पत्तियाँ बकरी नहीं खा सकती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं, राइट और फिर अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तब वह देखता है कि उसकी पत्तियाँ सोने की हो चुकी हैं राइट तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सभी सोने की पत्तियों को चुरा ले जाता है राइट यहाँ देखकर कर फैक्ट्री बहुत उदास होता है राइट और वहाँ कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ शीशे की हो जाएँ ठीक है क्यों क्योंकि शीशे की पत्तियाँ ना तो इनको बकरी खा सकती है और ना ही कोई इनको चुरा सकता है इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ शीशे की हो जाएँ राइट right? फिर क्या होता है अगली सुबह उसकी पत्तियाँ शीशे की हो जाती हैं या उसके ऊपर शीशे की पत्तियाँ उग जाती हैं राइट right? तब रात में तेज हवा चलती है और सारी शीशे की पत्तियाँ टूट जाती हैं ठीक है यहाँ देख कर फैक्ट्री बहुत उदास हो जाता है अपसेट हो जाता है और वहाँ कहता है कि अब मैं अपनी पहली जैसी पत्तियाँ पाना चाहता हूँ राइट right? क्योंकि उसको तो ना बकरी खा सकती है और ना कोई इंसान उसको चुरा सकता है और ना हवा उसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है राइट फिर क्या होता है जब अगली सुबह वहां देखता है कि उ, आ, उसके ऊपर फिर से पहले जैसी कांटेदार नुकीली पत्तियां उग गई हैं ठीक है ठीके? और यहां देखकर कर वहाँ बहुत खुश होता है और कहता है कि इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था जितना कि मैं अब हूँ ओके सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा ओके सो so, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में राइट सो so, इसको आप एक बार सेल्फ रीड करोगी